इस पर साइन कर दीजिए। सर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अपने काम से मतलब रखिए। इन्होंने हमारे 10 लड़कों के हाथ पैर तोड़ दिए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया हूँ। बहुत खर्चा आया है सर, थोड़े पैसे मिल जाते तो अच्छा होगा। सच बोल रहा हूँ सर। देता हूँ, रात को संभल के जाने को बोलिए, केस बाद में देख लेंगे। हेलो मान मर्यादा सब कुछ लुट गई। क्यों मास्टर, आपको ढूंढने घर में पुलिस आई थी, जो मैं जवानी में नहीं कर पाया आपने बुढ़ापे में कर दिया। बिंदास आदमी हो आप। मैं तो आपको फिल्म में फाइट करने वाला एक डुप्लीकेट मास्टर समझता था, लेकिन आपने तो रियल में 15 लोगों की धुलाई कर दी। अब तो पार्टी बनती है। वो बियर मुझे दो। बियर? नहीं नहीं नहीं, चढ़ जाएगी आपको। ए, पूरी एक बॉटल एक सांस में खत्म करने वाला आदमी हूँ, ला दे इधर। आप मारने वाले कहाँ हो? ये लो। आराम से सुनिए, एक सांस में मत पीजिए, चढ़ जाएगी आपको। ला एक और दे। हाँ ये लो। क्या हो गया इनको आज? मास्टर ये कोई फ्रूट जूस नहीं है, ये बियर है। आज मास्टर को क्या हो गया है? अरे बस बहुत हो गया मास्टर। मास्टर संभल के जाना। मास्टर सामने सीढ़ियां, कहीं गिरना मत। ओफो, क्यों पिला दी मैंने इनको। ओ मास्टर, कौन सी इज्जत चली गई तुम्हारी? कौन सी बड़ी इज्जत चली गई? और कौन सी गलती कर दी मैंने? अपने बाप को डरपोक समझ रखा है? कोई कुछ भी करेगा उसे देखकर मुंह बंद करके आ जाऊं? वीर हूं मैं, महावीर हूं। तू कौन है मुझसे सवाल पूछने वाला? बोल कौन है तू? उस दिन भी जब एक बार यहाँ पुलिस आई थी तो पोते को ऊपर भेजकर मुझे नीचे बुलवाकर मुझसे सवाल जवाब कर रहा था। क्यों तू ऊपर आकर मुझसे नहीं पूछ सकता था? मैं तेरा बाप हूँ कि तू मेरा बाप है? अब उस दिन की बात है जब टीवी का वॉल्यूम बढ़ गया था, तो उस दिन भी इतना नाटक कर रहा था, मेरी सुख शांति बर्बाद कर दी, मेरी नींद हराम कर दी। अपने दिन तू भूल गया जब तू एक छोटा बच्चा हुआ करता था। तुझे बड़ा करने के लिए मैंने अपने दिन रातें कर दिए। तब मेरी जो नींद खराब होती थी वो मैं किसे जाकर बोलता? तुझे बोलता? ग्लास ब्रेकिंग, कट गया था ये। 17 टाके लगे थे। किसके लिए? तेरे लिए। और कितना सब्र करूं? तेरी माँ बोलती थी, इकलौता बेटा है, बड़े संभाल कर इसे पाल रहे हो, बड़ा होकर ये आपको संभालेगा। अच्छा संभाल रहा है ये। देखो बेटा, मुझे संभालने की किसी को जरूरत नहीं है, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। पांडे हूं, पावर पांडे। अरे मेरे बच्चा लो, तुम लोग के लिए तो दादा जी रहा है। अरे कहां ले जा रहे? मत ले जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अपने पोते पोती को प्यार नहीं कर सकता? ये हक भी नहीं है मुझे इस घर में। ए, राजेंद्र देख ले, मैंने कहां नहीं ढूंढा था, सोच समझकर रामू नाम रखा था तेरा, और फिर उल्टी सीधी वजह बताकर क्या कर दिया? राजेंद्र? क्यों भाई राजेंद्र? ये अभी नहीं, उसी समय पता चल गया था। तू बाप की बात नहीं मानने वाला, तू अपनी सोच हमेशा उस पर ला देगा।
तू मुझे संभालेगा ऐसी तेरी माँ मुझसे बोला करती थी। आज वो यही बोल कर देखती। एक मिनट, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, एक मिनट रुको। मैं क्या करना है पता नहीं, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो। घर में रहो, बाहर जाओ, लफड़ा करो, चार्जन को पकड़ के मारो, पीटो, पुलिस स्टेशन में जाओ। हम लोगों को मारना है, हमें भी मारो। हम लोग कुछ भी नहीं पूछने वाले, मुंह बंद करके रहेंगे। एनीवे वही चाहिए ना आपको, इसके बाद ऐसे ही होगा। लेकिन आप अकेले रहेंगे तो खुश रहेंगे, उतना ही काफी है हमारे लिए। ऊपर है। बच्चे सो गए क्या? 8 बजे ही सो गए। पापा ने खाना खाया? नहीं, आपके जाते ही अपने रूम में जाके दरवाजा बंद कर लिए थे। खाने के लिए भी बाहर नहीं आए। अभी खाने के लिए नहीं आए? दरवाजा खटखटा के देना चाहिए था ना। खामखा घमन पाल के रखा है उन्होंने, सुबह सुबह आ जाएंगे वो। पापा को चाय दी? नहीं दी। पहले तो 6 बजे तक नीचे आ जाते थे, लेकिन आज अभी तक नीचे नहीं आए। क्या बात करी है तू, इस उम्र में डर लगता है। पापा, पापा दरवाजा खोलो, मुझे आपसे बात करनी है। पापा दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे आपसे बात करनी है। पापा दरवाजा खोलो, नहीं तो स्पेयर किस से दरवाजा खोलूंगा। जाओ, चाबी लेकर आओ। पापा प्लीज पापा, ठीक है, आई एम सॉरी, ओके, अब दरवाजा खोलो। पापा पापा ये लीजिए। राजेंद्र, तुम एक अच्छे बेटे हो, तुमने सब कुछ किया मेरे लिए। ठहरने के लिए रूम दिया, अच्छी तरह से देखभाल की, हीरे मोती जैसे 2 पोते-पोती दिए, फ्रीडम दी मुझे। लेकिन सब कुछ होते हुए भी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जेल में हूँ। मैं बाप हूँ, तू बेटा है, पर अब समय बदल गया है और तू बाप है और मैं बेटा। ये बदलाव कुदरती है, होना भी चाहिए, लेकिन ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत बदलने की कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? ऐसा क्या करते हैं, जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ लफड़ा करके ही आते हैं। क्या जी, क्या हुआ? कहाँ गए हैं मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे अब डर लगने लगा है। क्या उनके पास पैसे भी है या नहीं पता नहीं, उन्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है, बहुत इनोसेंट है वो। कहाँ गए होंगे, क्या कर रहे होंगे पता नहीं। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे आखिरी वक्त पर तुमने जो मुझे सोने का पिंजरा बनाकर दिया है, मैं उससे बाहर निकलकर आजादी की उड़ान भरना चाहता हूँ। मुझे ढूंढना मत, मैं बिल्कुल खुश रहूंगा। मेरी बहू प्रेमलता को मेरा आशीर्वाद है, मेरी प्यारी गुड़िया साक्षी और ध्रुव को मेरा स्नेह। सुनिए जी, आपने बाबूजी के दोस्तों से पूछा क्या? आप झूठ बोल रहे हैं, दादाजी गांव नहीं गए हैं, आपने डांटा इसलिए घर छोड़कर गए हैं, मेरे फ्रेंड की माँ ने बताया। दादाजी गांव ही गए बेटा। झूठ मत बोलो माँ, झूठ मत बोलना, तुमने ही सिखाया है ना।
आपकी वजह से हुआ है। आपने क्यों डांटा दादाजी को? वो आपके पापा है ना, अगर मैं आपको डांटू तो? ए लोफर लड़के, मैं पांडे बोल रहा हूँ। हेलो मास्टर, कहाँ पर हो आप? मैं इस समय किसी हाईवे पर हूँ। क्या आप भी कमाल करते हो मास्टर, हम जो जवानी में नहीं कर पाए वो बुढ़ापे में कर रहे हो। पीआरपी के घर में आते हो, पुलिस ढूंढने आती है। ओह, अब की बार किसी लड़की वड़की के चक्कर तो नहीं है ना मास्टर? ए फालतू की बकवास मत कर मेरे सामने, मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ। मैंने फोन किया, ये बात किसी और को मत बताना। मैं तुम्हारे टच में हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? अच्छा सुन, मुझे अपने पोती पोती की आवाज़ सुनने का मन कर रहा है। मैं ऐसी लाइन पे रहूंगा, तुम फोन लेकर उनके पास जाओ, मैं उन्हें बात करते हुए सुन लूंगा। क्या मुझे क्यों फंसा रहे उस लफड़े में? ए, कुछ नहीं होगा यार, प्लीज यार, मैं तुम्हें बियर खरीद के देता था ना। तो अब उसके पैसे मुझसे वसूल कर रहे हो? ठीक है जाता हूँ। ध्रुव, हम दोनों जाके ना दादाजी को ढूंढ लेंगे। ए चुप बैठ, हम कहीं गुम गए तो? हम दोनों छोटे हैं ना। क्या बच्चे लोग, इतना चुपचाप क्यों हो तुम? ऐसे क्यों घूर रहा है? ये कहा गया? ये बताओ दादाजी कहाँ पर है? हमारे पापा ने दादाजी को डांटा तो दादाजी कहीं चले गए हैं। ए तू इसे बात मत कर। ए मैंने अब क्या किया? ठीक है अब वो सब छोड़ो, तुम इतने उदास क्यों हो? दादा को बहुत प्यार करते हो ना? मुझे मेरे मम्मी डैडी से ज्यादा दादाजी बहुत पसंद है। लेकिन अब नहीं पसंद, क्योंकि हमें बिना बताए चले गए ना, अब मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। तुम लोग ज्यादा फिक्र मत करो, बुढ़ा जहाँ भी होगा अच्छा होगा। ए हमारे दादाजी को बुढ़ा बोला तो दांत तोड़ दूंगा। चल निकल यहाँ से। ठीक है यार, तू गुस्सा मत हो, तू बैठ, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। सुना ना, अब जहाँ पर भी हो जल्दी वापस आ जाओ। हे, मैं भी कैसे अपने पोते पोती को छोड़ सकता हूँ, मैं तो बस थोड़ी शांति की तलाश में निकला हूँ। बस वो मिल जाए फिर मैं भागता हुआ खुद उनके पास चला आऊंगा। शांति की तलाश में निकला हूँ, क्या बोल रहे हो? कहाँ जाने वाले हो? काशी या रामेश्वरम? हे, फोन रख निकम्मे कहीं के। सारी डिटेल्स दे दिए मैंने, वो लोग ढूंढ लेंगे ना। लगता तो ऐसे ही है, उनके अकाउंट में जो 25 लाख रुपए थे वो विड्रॉ करके ले गए। वो इतने पैसों के साथ सेफ कैसे रहेंगे पता नहीं मुझे। दो चपाती देता हूँ। हेलो ब्रदर, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए, आइए। अरे भाई, घर से भाग के आए हो क्या? आपको कैसे पता? आपको क्या लगता है हम लोग कौन है? हम लोग भी अपना अपना घर छोड़कर यहाँ आए हैं। ये बताइए आप घर छोड़कर क्यों आए? आखिरी समय में किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए घर से निकल लिया। ये भी कोई रीजन है? गुरुमूर्ति, जब तुम्हारी बहू ने तुम्हें मारकर घर से निकाल दिया था, उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। पेपर में ऐड तो आया होगा ना? कौन सा ऐड? अरे ये बताओ, घर से निकले हुए कितने दिन हो गए? दो दिन तो हो गए। पीटर, वो पेपर देना जरा। ये देखो, लापता है। अरे बाप रे, पेपर में फोटो देखकर तो कॉमेडियन लग रहा है। पेपर में तो तुम्हारा फोटो भी आया था ना, उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है, स्वर्गवास हो गया ऐसा लिखा था तुम्हारे फोटो के नीचे। ये तो कुछ नहीं यार, इसके बेटे ने तो ऐड डाला था कि मेहरबानी करके घर वापस मत आना। अभी आप कहाँ जा रहे हैं भाई? अब ये बाइक जहाँ कहीं भी ले जाए मुझे। मतलब बाइक जहाँ भी जाएगा चले जाओगे आप?
मैं कुछ मीनिंगफुल करने के लिए सोच तो रहा हूँ, लाइक सोल सर्चिंग। ऐसा क्या मीनिंगफुल है जो करना चाहते हो? मीनिंगफुल तो बस मेरी पुष्पा थी। लेकिन ये पुष्पा है कौन? मेरी फर्स्ट लवर। ओह, इसका मतलब तुम उसे ढूंढ रहे हो। वैसे उसे ढूंढने को तो नहीं निकला था, लेकिन आपके कहने के बाद अब उसे ढूंढने का मन कर रहा है। क्यों भाई, 60 साल की उम्र में ये सब जरूरी है क्या? ए ब्रदर, हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, पता ही नहीं क्यों घूम रहे हैं। उससे अच्छा तो ये जो करने जा रहा है वही है ना। कौन है यार वो फर्स्ट लवर? अपनी लव स्टोरी सुनाओ ना, टाइम पास हो जाएगा। वो कोई खास अलग सी लव स्टोरी नहीं है, यूजुअल लव स्टोरी है, बट वो मेरे सुनहरे दिन थे, मेरी पुष्पा। हाँ, कुछ भी हो जाए हम लोग जीत के रहेंगे आज। कैसे भी करके ये राउंड हमें जीतना होगा। अगर हमारी टीम कैसे भी करके जीत गई तो हमारे गांव में धमाल मच जाएगा। टफ टीम है यार, एक और आदमी तो चाहिए अपनी टीम में। अरे कोई बात नहीं, कहाँ है आज कबड्डी, उनको पता नहीं है क्या? ब्रूस ली की पिक्चर रिलीज हुई ना, वो लड़का थिएटर में ही मिलेगा। पैसे चोरी करके भी फिल्म देखनी पड़े ना तो पांडे पीछे नहीं हटेगा। दीवाना है वो। शुरू करो रे। यार कैसे करें, अभी पांडे नहीं आया है तो क्या उसका आने तक पूजा करते रहेंगे? चलो शुरू करो। यही हमारा गांव है पापा। हाँ बेटा, तुम पहली बार आ रहे हो? हाँ पापा। गांव आ गया है, देख लो। तुझे भी यहाँ के 5-6 साल हो गए ना पुष्पा? अरे आ गए वो लोग। आओ यहाँ से, यार अंदर नहीं आने दे रहे हैं शैतान। कैसी है? कैसी हो तुम? पुष्पा बेटी, क्या पढ़ाई कर रही है तू? बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। पढ़ाई ठीक से कर रही है इसलिए इसे आगे पढ़ा रहा हूँ। पापा हाँ। मुझे भी पढ़ाना चाहिए था ना। उसके लिए स्कूल जाना पड़ता है बेवकूफ। अब तू पढ़ाई लिखाई की बात छोड़, तेरी शादी हो जाएगी, ससुराल जाके घर संभालना, समझ गई? खेती बाड़ी कैसा चल रहा है भाई?